हेलो यूट्यूबर्स, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हथियार के बारे में, यानी कि मल्टीमीटर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हथियार है और इसके बिना मतलब आपका काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दो तरह के मल्टीमीटर। पहला एनालॉग और दूसरा डिजिटल। डिजिटल जो कि आपके सामने है, और एक एनालॉग होता है जो कि आपके सामने फ़िलहाल नहीं है। और एक तरीके के मतलब डिजिटल में भी एक और आता है जिसको बोलते हैं क्लैंप ऑन मल्टीमीटर। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये आपके सामने जो मल्टीमीटर है, ये मार्केट में मिलने वाला सबसे सस्ता मल्टीमीटर है। ये बेसिकली आपको 150 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप से। और ये अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। आप इस तरीके के मल्टीमीटर को इजीली ख़रीद सकते हैं। अफोर्डेबल है, मतलब अच्छा है, सस्ता है थोड़ा सा। मल्टीमीटर में एक ये LCD डिस्प्ले होता है जो कि आपको सारे वैल्यूज और जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो दिखाता है। और एनालॉग में एक सुई होता है जो कि आपको जो है सो आउटपुट देता है कि आप किस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट होगा। उसके बाद इसमें एक डायल होता है, यानी कि एक रोटरी, जिससे आप मतलब अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे 3 सॉकेट है। इस तीनों सॉकेट को मतलब ज़रूरत के हिसाब से इसमें प्रॉब्स लगाए जाते हैं। ये हो गया आपका प्रॉब्स। ये नॉर्मली ये प्रॉप्स यूज किए जाते हैं, तो आप इसकी जगह वायर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मतलब अगर इसको नॉर्मल वायर यहाँ से कनेक्ट कर दें तो भी काम चल जाएगा। बट ये प्रॉप्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये पहले तो प्रोटेक्शन देता है। ये मोटा वायर है, आप देख सकते हैं, तो पहले ये प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर इस सॉकेट में ये ठीक से फिट बैठता है एकदम टाइटली। क्योंकि अगर लूज़ होगा तो आप नॉर्मल वायर यूज़ करेंगे, उसमें लूजिंग होगा तो जो है सो रिज़ल्ट आपका अकॉर्डिंग नहीं आएगा। मतलब इसको इस सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो इसमें टाइटली जो होता है कनेक्टेड होता है ये दोनों, तो इसलिए इसमें प्रॉप्स यूज किए जाते हैं। और ये सेफ्टी के लिए इतना मोटा वायर यूज किया जाता है। उसके बाद जो है ये बेसिकली ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए है। तो अभी हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये आप ट्रांजिस्टर जब जानेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली है क्या। अब बात करते हैं डिफरेंट चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑफ़ की स्थिति में है। अगर आपको ये उसके बाद राइट साइड में यहाँ आ जाता है AC इस दोनों से आप टेस्ट कर पाएंगे कि AC वोल्टेज कितना है। AC का अभी जो AC आपके मतलब घर में आ रहा होगा उसमें भी कितना वोल्ट करंट आ रहा है। यहाँ पे आप दो नंबर्स देख रहे होंगे, एक 750 वोल्ट और एक 200 है यहाँ पे, यानी 200 वोल्ट। तो ये जो भी करके है और ये साइन वेव बना हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये जो है ये सारा जो ब्लैक कलर से घिरा हुआ है ये सिर्फ AC करंट के लिए है। AC करंट आप इससे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि यहाँ पे दो क्यों है, एक 750 वोल्ट और एक 200 वोल्ट क्यों है। तो यहाँ पे 200 वोल्ट इसलिए है क्योंकि आपको 200 वोल्ट से जितना भी जो कम वोल्टेज हो, मतलब 200 वोल्ट से अगर कहीं पे कम का काम हो रहा है तो आप इस यहाँ पे डायल को सेलेक्ट करेंगे 200 वोल्ट से कम का मतलब मेज़र करने के लिए। और अगर आपको 750 से नीचे मेज़र करना है तो आप इसको 750 पे रखेंगे। बेसिकली ऐसे ये एक्यूरेसी के लिए होता है, तो आप इतना ध्यान ना दें, मतलब ये सब बाद में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे अपने आप। लेकिन अब अगर आपको 200 से कम का मेज़र करना है वोल्टेज तो आप 200 पे रखें नॉर्मली, और अगर 200 से एक्सीड कर गया और 750 से नीचे है तो आप इसको यहाँ पे रखें। ये आप मतलब नॉर्मली आपको अभी करना है, बाद में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब हम इस वोल्टेज AC वोल्टेज के राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक A लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एम्पियर, यानी कि आप इस तीनों से एम्पियर मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रखेंगे डायल को तो इससे आप माइक्रो में एम्पियर को मतलब मेज़र करेंगे। इसके यहाँ पे मिली में और यहाँ पे मिली में है, और यहाँ पे जो है ये 1 एम्पियर से अगर ज़्यादा हो गया और 10 एम्पियर से नीचे है तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है सो आप मेज़र कर सकते हैं एम्पियर, यानी करंट। अब एम्पियर के नीचे यहाँ पे HFE करके है ना,
तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर को जब आप इस पे डायल को रखेंगे तो आप बेसिकली इस पोर्ट के थ्रू ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे, ये NPN के लिए और ये PNP के लिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये ट्रांजिस्टर के मतलब पहले आपको ट्रांजिस्टर के बारे में जानना होगा, उसके बाद आप इस पे लाके इस डायल को आप टेस्ट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। ये आप यहाँ देख लीजिए, ये बेसिकली ये इस मल्टीमीटर का मैनुअल है और यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, ये रहा HFE ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए है, NPN और PNP। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये स्क्वायर वेव, ये भी आप अभी नहीं समझेंगे क्योंकि ये आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में और आगे जाएंगे तब समझ में आएगा, ये स्क्वायर वेव है तो इसके बारे में भी अभी हम नहीं जानेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो कंटिन्यूटी और डायोड टेस्टिंग मोड। ये इसको आगे करेंगे आप तो ये आ गया कंटिन्यूटी और डायोड टेस्टिंग मोड, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इसको समझने के लिए कंटिन्यूटी मोड और डायोड टेस्टिंग मोड को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कनेक्शंस कैसे करेंगे प्रोब का। तो प्रोब में बेसिकली तीन आपके जो सॉकेट हैं, तीनों का अलग अलग फंक्शन है और तीनों को अलग अलग तरीके से अलाइन करेंगे अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। अब आपको एक बात पता होगा कि अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है सो निगेटिव को कॉमन माना जाता है हमेशा, पता नहीं क्यों माना जाता है यार, बट माना जाता है हमेशा निगेटिव कॉमन माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके मतलब तीन सॉकेट हैं तो निगेटिव अपनी जगह हमेशा रहेगा, ये यहाँ से खिसकेगा नहीं। उसके बाद आपके पास दो सॉकेट है, एक ये और एक ये। ये जो ऊपर वाला ये बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आप 10 एम्पियर पे मतलब डायल को रखते हैं, मतलब अगर आपको 1 एम्पियर से ज़्यादा का मेज़र करना है तभी आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसको जनरली आप यहीं पे यूज करें। अगर आपको सिर्फ ये 10 एम्पियर क्या मतलब 1 एम्पियर से ज़्यादा और 10 एम्पियर से कम अगर मेज़र करना है तभी आप इसको इस पॉजिटिव को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर ये यहीं पे रहता है। तो चलिए अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए मैंने इस डायल को यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे लगाया है और प्रोब्स एक यहाँ कॉमन में है और एक यहाँ पे है, बेसिकली सब अपने अपने जगह पे हैं। और ये रहा प्रोब्स का, ये रहा प्रोब्स। तो बेसिकली अगर हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप बजर मतलब बजर बज रहा है, मतलब बीप का साउंड आ रहा होगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए काम आता है बहुत ज़्यादा क्योंकि जैसे ये शॉर्ट चेक करने के लिए काम आता है कि अगर सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट है या नहीं। दूसरा इसका यूज होता है डायोड टेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे एक रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें कि डायोड्स बहुत सारे डायोड्स हैं, 8 डायोड्स हैं। आपको बता दें कि डायोड्स में जिस तरह बैंड होता है वो निगेटिव होता है, जिस तरह बैंड नहीं होता है वो पॉजिटिव होता है। मैं ये सिल्वर कलर के बैंड की बात कर रहा हूँ। तो एक ब्लैक प्रोब्स को मैंने लगा दिया है निगेटिव की तरफ जिस तरह बैंड है, और ये मतलब पॉजिटिव प्रोब को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो आप रीडिंग देखिए, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये डायोड जो है ये बीच वाला दो डायोड सही है। ये दो डायोड्स अपने अंदर से करंट को फ्रीली मतलब मूव होने दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग्स आ रहे हैं। अगर मैं इसे हटा दूँ तो नहीं आएगा और अगर फिर से लगा दूँ तो आएगा। अब मैंने प्रोब्स को रिवर्स कर दिया है, यानी कि निगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में निगेटिव को लगाया तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रहा, इसलिए डायोड को टेस्ट करते समय पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना होता है और तभी रीडिंग आता है। उसके अलावा अगर कैसे भी रीडिंग आए तो आपका डायोड इसका मतलब ख़राब है। उसके बाद का जो ये आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये सारा मतलब रेसिस्टेंस के लिए है, ये 200 ओम है, ये 2000 ओम है, ये 20000 ओम है, और ये 200 × 10³ ओम है, ये 2000 × 10³ ओम है। इसको 2000 kΩ भी पढ़ेंगे या फिर 2000 kΩ या 200 kΩ या 20 kΩ, और ये 2000 ओम और ये 200 ओम। अगर आपको 200 ओम से कम का रेसिस्टेंस अगर मेज़र करना है तो आप यहाँ पे डायल को रखेंगे। अगर आपको 2000 से 200 बीच 200 के बीच में अगर रेसिस्टेंस मतलब मेज़र करना है तो आप यहाँ पे रखेंगे। अगर आपको 20 kΩ से 2000 ओम के बीच में अगर मेज़र करना है तो यहाँ, और बाकी में भी ऐसे ही बीच बीच में देखना है आपको मेज़र कितना करना है एक्चुअली।
आपके डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नहीं 6 इंच का सब वूफर है। मैं इसका अभी आपको रेसिस्टेंस जो है सो मेज़र करके आपको दिखाऊंगा। स्पीकर का रेसिस्टेंस नॉर्मली 200 ओम से नीचे होता है, तो इसलिए मैंने डायल को 200 ओम पे रखा है। और यहाँ पे प्रोब्स को अपनी अपनी जगह पे स्पीकर के ऊपर, मतलब तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 10 ओम, 10.6 ओम। ये सब वूफर बेसिकली मेरे ख्याल से ख़राब है सर, इसलिए रीडिंग सही नहीं दे रहा। यहाँ पे 8 ओम या 4 ओम रीडिंग देना चाहिए था, ये 10.5 ओम रीडिंग दे रहा है, मेरे ख्याल से ख़राब है। चलिए इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल हो गया 1। उसके बाद जो बाड़ी आती है वो है ये ब्लैक कलर के एरिया के, तो ये सारा जो है सो अब डीसी वोल्टेज, यहाँ पे ये एसी वोल्ट था, तो यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज जो है सो मेज़र करने का काम आता है। तो यहाँ पे अगर आपको 200 मिली वोल्ट से अगर कम का मेज़र करना है तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे अगर आपको 20 वोल्ट और इसके 2000 मिली वोल्ट के बीच में अगर मेज़र करना है तो आप डायल को यहाँ रखेंगे 20 वोल्ट पे। अगर आपको 20 वोल्ट से 200 वोल्ट का मेज़र करना है तो यहाँ पे, अगर आपको 200 से 1000 डीसी वोल्ट के बीच में मेज़र करना है तो आप डायल को 1000 वोल्ट पे रखेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको डेमो के लिए एक ये है 4 वोल्ट का लीड एसिड बैटरी, तो इसको मेज़र करने के लिए ऑफकोर्स डायल को 20 वोल्ट पे लगाना होगा, क्योंकि ये इससे तो ज़्यादा है लेकिन 20 वोल्ट से कम है। तो मैंने प्रॉप्स को बैटरी के टर्मिनल के ऊपर लगा दिया है, और यहाँ ये बैटरी 4 वोल्ट का है और यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 3.46। बेसिकली ये डिस्चार्ज है अभी फ़िलहाल, इसलिए यहाँ पे 3.46 या फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएसन है उतना वोल्टेज अभी ये बैटरी दे रहा है। डीसी वोल्टेज मेज़र करते समय एक बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को हमेशा नेगेटिव में लगाएं। अगर आप अपोजिट लगा देंगे तो यहाँ पे बस होगा ये कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने प्रोब्स को नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाया है, तो यहाँ पे बस माइनस का साइन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब बारी आती है एसी करंट को मेज़र करने की, तो मैंने डायल को 750 वोल्ट पे लगाया है और प्रोब्स को सीधा 220 वोल्ट और 50 हर्ज एसी सप्लाई में लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरे यार रीडिंग, हाँ ये आया 144 46, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएसन, उतना वोल्टेज जो है सो मतलब अभी मेरे घर में आ रहा है, यानी कि अभी वोल्टेज बहुत कम है, इसको 220 वोल्ट होना चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। मैंने आपको एम्पियर मेज़र करना भी बताया नहीं है, क्योंकि वो किसी और वीडियो में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट वो उसमें थोड़ा सा कनेक्शंस करना पड़ता है, तो इसलिए मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू। और आखिरी में मैं बता दूं भाई कि अगर आप मतलब इस तरीके का एक सस्ता मल्टीमीटर ख़रीदते हैं तो उसके मतलब ये जो कार्ड है इस पर कुछ ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ तो इसको आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, और ये भी, तो इसके आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिए हुआ है कि कैसे आप इसको ऑपरेट करना है, आपको कैसे सही सेफली ऑपरेट करना है।